सभी को नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और अवसरों के बारे में उपयोगी जानकारी साझा करती हूं। इस वीडियो में मैं आपको FAEA स्कॉलरशिप 2023 के बारे में जानने के लिए आवश्यक सब कुछ बताऊंगी, जो उन छात्रों के लिए एक शानदार अवसर है जो भारत में स्नातक की पढ़ाई करना चाहते हैं। FAEA छात्रवृत्ति फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए है। ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत की एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस एक गैर लाभकारी संगठन के सहयोग से पेश किया जाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। FAEA छात्रवृत्ति 2023 भारत में किसी भी विश्वविद्यालय, संस्थान या कॉलेज में कला, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अन्य तकनीकी और व्यावसायिक विषयों में स्नातक अध्ययन के लिए पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क और अन्य लाभों को कवर करती है। फाउंडेशन के मानदंडों के अनुसार छात्रवृत्ति में रखरखाव भत्ता या छात्रावास / मेस शुल्क, यात्रा भत्ता, वस्त्र भत्ता और पुस्तक भत्ता भी शामिल है। FAEA स्कॉलरशिप 2023 उन छात्रों के लिए है जिन्होंने भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और किसी भी विषय में स्नातक अध्ययन के पहले वर्ष में नामांकित हैं। छात्रवृत्ति विशेष रूप से समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और BPL श्रेणियों से संबंधित छात्रों के लिए है। FAEA छात्रवृत्ति 2023 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और निःशुल्क है। आप इन चरणों का पालन करके छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। FAEA पोर्टल पर FAEA छात्रवृत्ति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अभी आवेदन करें बटन पर क्लिक करें और अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के साथ खुद को पंजीकृत करें। आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें, जैसे व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण, पारिवारिक आय, बैंक खाता विवरण आदि। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे कक्षा 12 की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि। आवेदन पत्र जमा करें और 9 अंकीय पुष्टिकरण कोड को नोट कर लें, जो स्वचालित रूप से उत्पन्न होगा। FAEA छात्रवृत्ति 2023 के लिए चयन प्रक्रिया में 2 चरण होते हैं। चरण 1, उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग उनकी शैक्षणिक योग्यता और वित्तीय आवश्यकता के आधार पर। स्टेज 2, पूरे भारत में विभिन्न केंद्रों पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का व्यक्तिगत साक्षात्कार। साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची FAEA छात्रवृत्ति की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने के लिए फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा और अपना प्रवेश प्रमाण और शुल्क रसीद जमा करनी होगी। FAEA छात्रवृत्ति 2023 एक नवीकरणीय छात्रवृत्ति है, जिसका अर्थ है कि आप अपने अच्छे शैक्षणिक प्रदर्शन और उपस्थिति रिकॉर्ड के अधीन अपने स्नातक पाठ्यक्रम के पूरा होने तक इसे प्राप्त करना जारी रख सकते हैं। आपको अपने अध्ययन के दौरान प्राप्त होने वाले किसी अन्य अनुदान या छात्रवृत्ति के बारे में भी फाउंडेशन को सूचित करना होगा। FAEA छात्रवृत्ति 2023 उन छात्रों के लिए एक शानदार अवसर है जो भारत में बिना किसी वित्तीय बाधा के उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। ये न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बल्कि नींव से परामर्श और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। यदि आप इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र और इच्छुक हैं, तो इस अवसर को न चूके और समय सीमा से पहले आवेदन करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मददगार और ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आपने किया है तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि आपके पास FAEA छात्रवृत्ति 2023 के बारे में कोई प्रश्न या संदेह है तो मुझे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।